अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम अहमद। तो यार आज मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, और आज मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसी है यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी का माहौल वगैरह क्या है, किस तरह ये स्टूडेंट्स को डील वगैरह करते हैं, और कौन कौन सी फैसिलिटी है जो यूनिवर्सिटी को देते हैं, और किस जगह पर यूनिवर्सिटी है किस जगह पर नहीं है। दो दिन पहले मैं जाना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं जा सका, क्योंकि लिए दो दिन पहले ऐसा सीन बन गया कि यहाँ पर बारिश हो रही थी, कंटिन्यूसली होती रही दो दिन लगातार। अब बारिश में ये होता है कि आप ना बाहर जा सकते हो ना अंदर आ सकते हो, कोई काम नहीं कर सकते। तो खैर अभी चलते हैं यूनिवर्सिटी और आपको दिखाते हैं वहाँ का क्या माहौल है। तो यार जो बच्चे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, उनके लिए मैं काम की बात बता दूँ। ये जो यूनिवर्सिटी है ये सिटी के अंदर है। चाइना की जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिटी के अंदर नहीं होती, वो सिटी से बहुत दूर होती हैं, और आपको सिटी के अंदर आने के लिए वीकेंड वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये सिटी के अंदर है यूनिवर्सिटी, और सबवे साथ लगती है इसके बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने सबवे है, इस तरह का सीन है। और इसके अलावा बस स्टॉप भी बिल्कुल साथ है यूनिवर्सिटी के। और इसके अलावा टोटल जो सबवे है वो चाइना के 49 सिटीज़ में है, ठीक है। और शेनयांग जो सिटी है ये उन 49 सिटीज़ में आता है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि ये जो शेनयांग सिटी है ये बीजिंग के बिल्कुल साथ है, ये आलमोस्ट 400 या 500 किलोमीटर अवे है। चाइना में 400-500 किलोमीटर जो है वो ये कोई फासला नहीं होता, ये इसको करीब से करीब समझा जाता है। और सिटी ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सर्दियों में ठंडा और गर्मियों में नॉर्मल होता है, जैसे कि नॉर्दर्न एरियाज़ का पाकिस्तान में होता है, ठीक है। सर्दियों में मौसम कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे स्नोफॉल होती है, और जो कि नवंबर में स्टार्ट होती है और फेब तक जाती है। और जनवरी फरवरी जो है ये वेकेशन होती है चाइना में, तो आप जहाँ मर्जी घूमो एंजॉय करो, जाके पूरा चाइना आप घूमो या अपना सिटी घूम लो। सिटी भी काफ़ी बहुत बड़ा सिटी है, और सबवे का ट्रैक भी इसका बहुत बड़ा है, और पूरे सिटी तक आलमोस्ट फैला हुआ है। और ये थी इंफॉर्मेशन सिटी के बारे में और यूनिवर्सिटी के बारे में। बाकी अभी मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ और आपको जाके दिखाता हूँ कि क्या सीन है यूनिवर्सिटी का और इसका हॉस्टल किस तरह से है। अच्छा जी, ये है हमारी यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी का है लाइब्रेरी, ठीक है, ये उसकी बिल्डिंग है, और एक ये बिल्डिंग है। इसके अलावा ये सारा फ्रंट वाला एरिया है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी की है ना ये मेन बिल्डिंग है और ये मेन एरिया यूनिवर्सिटी का सारा। और इधर सीधा सामने आगे जाएं तो आगे इसका मेन गेट आता है जो मेन एंट्रेंस है, जहाँ से यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं। और उसके अलावा ये वाली जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर है वो फॉरेनर्स की क्लासेस वगैरह होती हैं। ये 5 फ्लोर हैं इसके, 6 फ्लोर हैं, 6 फ्लोर हैं इसके। और बाकी जो यूनिवर्सिटी है वो इस साइड पर आती है। आगे लाइब्रेरी में जाके आपको दिखाते हैं कि लाइब्रेरी किस तरह की है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ से वो स्टडी कर रहे थे, जिस वजह से मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सका और आपको रूम्स के अंदर जाके नहीं दिखा सका कि अंदर से क्या सीन है इसका, क्योंकि चाइनीज़ स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे थे और मैं नहीं चाह रहा था कि उनको डिस्टर्ब करूँ। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भी अगर अपनी स्टडी करनी हो और उनके पास बुक्स अवेलेबल ना हो तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आके स्टडी करते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको चाइनीज़ ऑथर की बुक्स भी मिल जाएंगी, और उसके साथ साथ आपको जो अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, इंडियन हो, कोई भी ऑथर हो, तमाम बुक्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, और एनी टाइम आप यहाँ पर आके इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो यार यूनिवर्सिटी के अंदर हम आए थे और छुट्टियाँ चल रही हैं अभी भी, और यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है कोई भी नहीं है, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे बच्चों के टेक्स्ट कर आए थे कि भाई जो है वो आप हॉस्टल के बारे में जो है वो इसका व्लॉग बनाएं और हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन दें, क्या सीन है हॉस्टल का। तो यार फ़िलहाल जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं ना वो हॉस्टल में नहीं रह रहे, वो सारे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है और बहुत अच्छा हॉस्टल है इसका, और जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे वो मेरे ख्याल से डायरेक्ट जो है हॉस्टल के अंदर ही जाएंगे। हॉस्टल की बिल्डिंग में आपको ब्लॉग के अंदर दिखा दूंगा, बल्कि ये मेरे सामने ही है, हॉस्टल की बिल्डिंग में आपको दिखा देता हूँ। और हॉस्टल इनका काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ आसपास अपार्टमेंट वगैरह सस्ते हैं, तो इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम अपार्टमेंट्स में जा के ही रह लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारा हॉस्टल है, ये सामने जो बिल्डिंग, ये हॉस्टल की बिल्डिंग है। यार ये है हमारी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, ये उसकी बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग हॉस्टल की है, और ये बाकी सारा एरिया यूनिवर्सिटी का काफ़ी ज़बरदस्त एरिया बना हुआ। लेकिन ये है एक मेडिकल कॉलेज, और आपको भी पता है मेडिकल कॉलेज जो होता है, मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत कम डिपार्टमेंट होते हैं, और जब डिपार्टमेंट कम होते हैं तो उसका एरिया भी कम होता है।
अगर कुछ स्टूडेंट्स अपार्टमेंट वगैरह देखना चाहते हैं तो इस तरह के चाइना में अपार्टमेंट होते हैं। ये देखो, ये हमारा अपार्टमेंट है और ये भी सारा। उसके अलावा ये माहौल है इसका, और ये तीन कमरे हैं, एक दो, ये तीन कमरे में नहीं दिखा सकता आपको, प्राइवेसी मैटर। और ये सारा टोटल हमारा अपार्टमेंट है, ठीक है। काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट मिला हुआ है हमें। यार ये जो शनियांग मेडिकल कॉलेज है ना, ये तकरीबन 2004 से स्टूडेंट्स ले रहा है, और अब तक 2010 के अंदर मेरे ख्याल से पहला जिसका जो बैच था पाकिस्तानी वो ग्रेजुएट हुआ था, ठीक है। और खुद हिसाब कर लो 2003-04 से लेके 2023 तक कितना अर्सा हो गया। और ये यूनिवर्सिटी ऐसी है कि चाइना के अंदर इसका नाम चलता है कि ये वाकई शनियांग मेडिकल कॉलेज है। इवन क्या पाकिस्तान में किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो ना, तो वो सबसे पहले इसी यूनिवर्सिटी का नाम आपको बताता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हायर कर रही है, और मे बी उस वजह से वो पाकिस्तान में इसकी डिग्री जो है वो मतलब PMC में इसका कोई मसला नहीं आता और ना कभी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत एक लंबे टाइम से स्टूडेंट्स को हायर कर रही है, और इस हिसाब से भी अगर ये देखा जाए तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। ये वो वाली बिल्डिंग है जहाँ पर ये ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों पे डिग्री देते हैं, और इसके आगे वाला जो एरिया यहाँ पे वो कुर्सियाँ वगैरह लगी होती हैं, और यहाँ पे वो डिग्री सेरेमनी होती है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जाना मना है, आगे बोर्ड भी लगाया हुआ है उन्होंने, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा। जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आऊँगा तो नेक्स्ट टाइम आपको आगे वाला व्यू भी दिखा दूँगा। अब भी यार मैं वापस आ गया मेरी सोसाइटी के अंदर। आज थोड़ा सा मौसम गर्म था, गर्म तो खैर नहीं था, लेकिन यहाँ पर ठंडा मौसम होता है, हल्का सा भी गर्म हो तो बहुत ज़्यादा फील होता है। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे करते हैं एंड, और आखिर में यही बताऊँगा कि यार यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है ना, वो यूनिवर्सिटी हॉस्टल देती है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं ना वो खुद प्रेफर नहीं करते कि हम हॉस्टल वगैरह लें। लेकिन अगर पाकिस्तान से कुछ बच्चे न्यू आते हैं ना, तो वो तो यही प्रेफर करेंगे कि हम हॉस्टल यूनिवर्सिटी का लें। वो ले लें तो भी बेहतर है, ना लें तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जो यहाँ पर सीनियर्स हैं ना, वो हॉस्टल नहीं लेते, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही काफ़ी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, तो वो वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, इस तरह से वो हॉस्टल वगैरह नहीं लेते। अगर पाकिस्तान से कुछ न्यू आते हैं तो उनकी मर्ज़ी है वो हॉस्टल लें या ना लें। यूनिवर्सिटी फोर्स नहीं करती आपको कि लाजमी हॉस्टल लेना है। यूनिवर्सिटी ये भी नहीं कहती कि आप लोग यहाँ से निकल लो, आपको हॉस्टल नहीं देना, ऐसा ऐसा कोई सी नहीं है। हॉस्टल लोगे तो दे देगी यूनिवर्सिटी, नहीं लोगे तो आपकी मर्ज़ी है। मुझे इजाज़त दीजिए, काफ़ी थक गया हूँ, काफ़ी दूर है यूनिवर्सिटी यहाँ से, 2 किलोमीटर का फासला है, पसीना भी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। देखो तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।